हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अभी के उनके दिल की बातें। तो क्या है ये बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और एनर्जी ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। एनर्जी ओरेकल में से पहला ही कार्ड आया है एंजल ऑफ बैलेंस का और टैरो में से पहला ही कार्ड आया है द डेविल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की एनर्जी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि गुलाब होता है तो उसके साथ कांटे भी आते हैं, उन दोनों का एक कनेक्शन होता है। वैसे ही आपके प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं। हो सकता है आपका या उनका साइन हो कैप्रिकॉन, तो जैसे आज फ्राइडे है, मे बी सैटरडे संडे का इंतज़ार अब इनसे हो नहीं रहा है। शायद इन्होंने सोच के रखा है कि इस वीकेंड वो आपसे मिलेंगे या फिर मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पे ये फूल खिल रहा है, वैसे ही आपके आपको लेके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जज्बात उनके दिलो दिमाग में छा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई मूवी देखने का प्लान किया है या फिर कोई रोमांटिक मूवी, कोई नॉवेल इन्होंने पढ़ लिया है, जिसकी वजह से इस तरह के ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इन दो बच्चों की मदद कर रहा है, वैसे ही हो सकता है आप दोनों की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए ये किसी बुजुर्ग की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। घर के कोई बड़े हो सकते हैं जिनसे ये मदद मांगना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए, या फिर इनका बड़ा भाई हो सकता है, या फिर ऐसा कोई वेल विशर हो सकता है, उनका रिश्तेदार भी हो सकता है जो आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, यानी कि घर वालों को मनाने के लिए शायद ये बातें हो सकती है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये कप छलक चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि हे भगवान ये सब क्या हो गया, वैसे ही जो भी लम्हे इनके हाथ से निकल चुके हैं, यानी कि आपके साथ अगर उनका ये रोमांटिक कनेक्शन वो फील करते हैं, तो जैसे अगर साल के बारे में ये सोच रहे होंगे कि ये साल तो गया, अभी कितने दिन बचे, 7-8 दिन ही बचे हैं नए साल को आने को लेके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस साल में मैंने पूरे साल में किया तो क्या किया, मतलब ये सब जो वक्त बीत चुका है वो हाथ से निकल चुका है और उसको लेके थोड़ा ये परेशान है रिगार्डिंग आप दोनों के रिश्ते को लेके, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि इतना वक्त ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था, इस साल में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। फिर है द मून, ये पाइसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है, मीन राशि। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इसका चांद के ऊपर, यहाँ पे भी सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके पैशनेट थॉट्स तो ज़्यादा ही है, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं वो आपको लेके, जिसकी वजह से शायद रात को भी ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये लम्हे अकेले ज़िंदगी का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है, आपका साथ वो चाहते ही है। नेक्स्ट है 3 ऑफ
पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ पिक्चर ड्राइंग करना है और ये चाहता है कि एज सुन एज पॉसिबल इसका ये काम कंप्लीट हो, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो अपने हाथ में लिया हुआ काम कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, करियर को भी और पैसों को भी, तो शायद छोटी मोटी कुछ दिक्कतें आ रही है फैमिली को समझाने को लेके, वो भी ये एज सुन एज पॉसिबल सुलझाना चाहते हैं। पैसों को लेके भी कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद साल के ख़त्म होने तक इनके दिलो दिमाग में कुछ एक्शन मोड लेने के बारे में चल रहा है। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे आप देख सकते हैं ये पर्सन अपनी तरफ से ही एफर्ट कर रहा है, इस बोट को पानी में ढकेल रहा है, शायद इसका साथ देने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन अब इसने सोच लिया है कि कब तक मैं किनारे पे बैठ के इंतज़ार करूँगा, अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी कहा कि एक्शन प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये शॉर्ट के नुकीले से रिप्रेजेंट करते कम्युनिकेशन को, हो सकता है कुछ बातें हैं जो उनके दिलो दिमाग में उन्होंने ठान ली है और उसके मुताबिक ही ज़िंदगी के आगे के सफ़र को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि वो अब आगे बढ़ना ही चाहते हैं, और शायद इसलिए आपके साथ अब उन्हें ये जो लम्हे गुजारने हैं उसके लिए अब ये रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेटली उनके दिलो दिमाग में आपको लेके ख्याल आ रहे हैं। फिर है एंजल ऑफ बैलेंस, तो जैसे यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस बता रहा है कि इस पर्सन को राइट नाउ ज़िंदगी में जो कमी महसूस हो रही है वो बैलेंस की, यानी कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक लोनलीनेस की एनर्जी है, अधूरा सा लगने लगता है उन्हें आपके बिना ये ज़िंदगी का हर एक लम्हा, और उसी लिए ये बैलेंस चाहते हैं, यानी कि 24/7 उन्हें लगता है कि आपका प्रेजेंस उनकी ज़िंदगी में होना ही चाहिए, आपका साथ उन्हें हर कीमत पर चाहिए। फिर है हॉस्टलाइट्स, जैसे यहाँ पे ये पर्सन लड़ने को तैयार है, वैसे ही अब आपके पर्सन ने ठान लिया है कि जो भी मुसीबतें रास्ते में आएंगी या आ रही है उनका सामना ये खुद करेंगे, यानी कि अब शायद किसी भी हालत में ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर है द वर्ल्ड, ज़िंदगी के आगे के सफ़र को लेके काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है, यानी कि दुनिया भर के लोग इस वक्त शायद क्या कर रहे हैं इसको लेके ये सोच रहे हैं, कुछ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, शायद इन्होंने कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में कुछ डिस्कशन किया है, हर किसी की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सुना है, हो सकता है किसी की शादी ब्याह को भी अटेंड किया है, और इन्हें ऐसा लगने लगा है कि हर कोई ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहा है, दुनिया में हर एक का एक्शन प्लान है और उसके मुताबिक हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट माय लाइफ, तो अपनी ज़िंदगी को लेके थोड़ा परेशान है और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया के लिए, मेरी खुशियों के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और ये क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए इनको, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, फाइनेंशियल बातों को भी लेके थोड़ा सा परेशान है और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको ये रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे हर कोई साथ चाहता है कि पैसे थोड़े से इकट्ठा करके रखे, वैसे ही ये पर्सन शायद सेविंग जो कुछ किया है उसके बारे में सोच रहे हैं और ज़िंदगी के आगे के प्लान को लेके किस तरह से पैसे और खर्च करने चाहिए इसके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये जो दरवाज़ा है ये खुल चुका है ऐसा उन्हें लग रहा है, या फिर इस दरवाजे से वो अंदर आना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनकी खुशियाँ उनके लिए इंतज़ार कर रही है, ये आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी सोचा है वो सपना हो सकता है और उस सपने में उस दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं ये, जो आप दोनों को अपनी ज़िंदगी की खुशियों की तरफ ले जाना चाहता है। नेक्स्ट है एंग्जायटी, तो थोड़ा परेशान हो रहे हैं, जैसे ज़िंदगी के सफ़र को लेके भी परेशान है, आपके साथ को लेके भी परेशान है, यानी कि उन्हें आपका साथ हर कीमत में चाहिए ही, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट करने हैं, तो इस तरह की सभी बातों के बारे में सोच के थोड़ा सा परेशानी का माहौल है और सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। और फाइनल कार्ड है डोर टू वैल्यू, जैसे यहाँ पे पैसे वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक चीज़ की कीमत तो होती है, जैसे प्यार पेश कीमती होता है, कोई चाह के भी प्यार को खरीद नहीं सकता, वैसे ही कुछ बातें हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो क्या क्या बातें हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे ऑब्वियसली पैसा तो मायने रखता ही है, क्योंकि जो भी इन्होंने प्लान सोचा है उसको एक्शन मोड में लाने के लिए शायद पैसों की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ बाकी के भी कुछ बातें हैं जो उनके लिए बहुत मायने रखती है, वो क्या बातें हैं, जैसे आपका प्यार है, घर वालों का साथ है, उनका सपोर्ट है, और इनके अपने सपने हैं, हर एक सपने के बारे में भी सोच रहे हैं और काफ़ी कुछ बातों में खोए खोए हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।